हेलो, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ नेमत और नेमत डॉट खाना में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज गोश्त के साथ गोभी बनाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार से रेसिपी है और सीज़न की ये मशहूर डिश है, तो ये बनने में भी बहुत आसान है। तो देखें इसके स्टेप्स को और इसके मसालों को, साथ ही हमारे साथ बने रहें और हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। गोश्त और गोभी बनाने के लिए सबसे पहले गरम कुकर में 125 ml मस्टर्ड ऑयल डालें। आप अपने पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। और हमारे पास है 1/2 kg मटन और 1/2 kg फूलगोभी, जिसे मैंने गर्म पानी से धो लिया है। तेल को गर्म होने दें। अब तेल में लौंग, इलायची और दालचीनी का बघार डालें। यहाँ पर डालें 250 ग्राम प्याज बारीक स्लाइसेस में कटी हुई। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक तल लें। प्याज अब गुलाबी हो चला है तो यहाँ पर डालें गोश्त और इसे थोड़ी देर तल लें ताकि इसकी आउटर लेयर ब्राउन हो जाए और इसकी नमी इसके अंदर ही सील हो जाए। ऐसा करने से गोश्त नरम और मज़ेदार बनता है। गोश्त अब तला जा चुका है तो यहाँ पर डालें 1 tablespoon भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इस पेस्ट में थोड़ा सा हल्दी भी मिला हुआ है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 1 या 2 मिनट तक तल लें ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब गोश्त के लिए पाउडर मसाले निकाल लें। तो मैंने 1 tablespoon धनिया पाउडर लिया है, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 teaspoon रेड चिल्ली पाउडर ले लें। मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, और ये गरम मसाला पाउडर हमारे वीडियो में मौजूद है। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो इसे देख लें। 4 मैंने हरी मिर्च ली है ताकि इसका फ्लेवर और तीखापन बढ़ जाए, और स्वाद अनुसार नमक ले लें। मैंने यहाँ पर 1 teaspoon नमक लिया है। गोश्त तला जा चुका है तो यहाँ पर इकट्ठा किए गए सारे पाउडर मसाले डाल दें और गलने के लिए इसमें अब पानी शामिल करना होगा। मैं इसमें लगभग 1/4 cup पानी डालूंगी। गोश्त में उबाल आने के बाद ढक्कन बंद कर दें और पहली सीटी आने के बाद इसके गलने का वक्त मुअय्यन करें। यानी पहली सीटी आने के बाद आप इसे लगभग 14 मिनट गला लें और फ्लेम को उस वक्त धीमा रखें। इधर आप फूलगोभी के बड़े टुकड़ों को लगभग 3 से 4 मिनट गर्म पानी में डालकर छोड़ दें, फिर इसे छानकर गोश्त में डालने के लिए रेडी कर लें। गोभी को हल्का सा तल लें, इससे गोभी का मज़ा बढ़ जाएगा। लगभग 20 मिनट में गोश्त बिल्कुल भुना जा चुका है और तेल इसके सरफेस पर आ गया है। अब यहाँ पर इसमें गोभी शामिल करना है। छूकर अगर हम गोश्त देखते हैं तो देखिए गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब यहाँ पर गोभी शामिल कर लें। साथ ही इसमें लगभग 400 ml पानी डालें या उतना पानी डालें जितना आप शोरबा पसंद करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी धनिया की पत्ती इस्तेमाल करें, बल्कि पत्तियों को छोड़कर इसके स्टेम का हिस्सा जो मोटा मोटा कटा हुआ है वो डालें, क्योंकि स्टेम में खुशबू ज़्यादा होती है और पत्तियों में कलर होता है।
मैंने इसमें जितना पानी यूज़ किया है वो अपने पसंद के शोरबे के हिसाब से इस्तेमाल किया है। आप भी अपने पसंद के हिसाब से पानी डालें और बस इसे एक सीटी तक तेज़ आंच पर गला लें और ख़ुद से ठंडा होने के लिए छोड़ दें। यहाँ पर आप इसे चक्कर इसका नमक एडजस्ट कर लें। तो अगर आपने फूलगोभी गोश्त की इस रेसिपी को एंजॉय किया हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी राय से नवाजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Bye.